हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एविएशन जगत में। आज हम बात करते हैं एशेप कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में और एशेप के एंटीना के बारे में कि एशेप का एंटीना एयरक्राफ्ट में कहां पर प्लेस्ड होता है, कहां पर इसको लोकेट करते हैं हम, और किस ट्रांसीवर का यूज़ क्या होता है। इसमें जनरली दो ट्रांसीवर होते हैं। कौन सा ट्रांसीवर डेटा के लिए यूज किया जाता है, कौन सा जो है वॉइस के लिए यूज किया जाता है। हम यहाँ पर सभी इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज हम लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए करते हैं। इसका दूसरा नाम स्काई वेव भी है। एचएफ सिस्टम जो है ये रिसीवर, ट्रांसमीटर, कपलर और एंटीने से मिलकर बना हुआ होता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में एचएफ का एंटीना जो है वर्टिकल स्टेबलाइजर के लीडिंग एज पर लगा हुआ होता है। वहीं कुछ एयरक्राफ्ट जैसे कि हो गए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में हम एचएफ के एंटीने का लॉन्ग वायर की तरह यूज करते हैं, और कुछ में तो हम इसका यूज करते हैं बूम स्टाइल में। तो हम यह नहीं बोल सकते कि सभी एयरक्राफ्ट में एचएफ एंटीने का लोकेशन सेम है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एचएफ एंटीने का जो ट्रांसीवर होता है वो एयरक्राफ्ट के पिछले भाग में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसका एंटीना भी पिछले भाग में होता है वर्टिकल स्टेबलाइजर के लीडिंग एज पर। एचएफ ट्रांसीवर 1 और 2 जो है यूज होता है डेटा सोर्स के लिए, और एचएफ नंबर 1 जो होता है, नंबर 1 वाला ट्रांसीवर, वो यूज होता है ऑडियो सोर्स के लिए। मैंने कल आपको बताया था डेटा सोर्स क्या है और ऑडियो सोर्स क्या है, तो अगर आप ना देखें वाला वीडियो जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो से। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज करता हूँ। डेटा सोर्स मतलब कि एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन, और वॉइस सोर्स मतलब होता है कि, या ऑडियो सोर्स मतलब होता है एयर टू एयर, या फिर एयर में ही जैसे एडीएफ से कोई कम्युनिकेशन करना हो या इन सब चीज़ों से कॉल से करना हो तब ऑडियो सोर्स का यूज करते हैं हम। एचएफ सिस्टम जो होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका यूज जो है लिमिटेड होता है। और ये सिंगल साइडमेंट होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 2 to 30 MHz। रोटरी ट्यूनिंग नॉब की हेल्प से हम एचएफ की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। एचएफ के सर्किट में जनरली 2 रेडियो ट्यूनिंग होते हैं। नंबर 1 जो है नंबर 1 वाले एचएफ को सिस्टम को कंट्रोल करता है, और नंबर 2 वाले एचएफ सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो हमें एचएफ से कोई भी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करनी होती है, तो सबसे पहले हम उसके एंटीने से उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो 1000 Hz की एक टोन सुना जाता है हेडफोन में। इसका मतलब है कि सब कुछ सही है। अगर कोई फॉल्ट है तो एक बीप की साउंड आती है हेडफोन में, तो इससे हम जान जाते हैं कि ट्यूनिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, अभी हम एचएफ फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एचएफ एंटीना का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका किस प्रकार से यूज है, इसका लोकेशन कहाँ होता है एयरक्राफ्ट में, इसका ट्रांसीवर किस प्रकार से वर्क करता है, और इसकी ट्यूनिंग क्या क्या होती है, किस प्रकार से इसका ट्यूनिंग वर्क करता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो यहाँ पर सब कुछ, और जो डीजीसीएम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यहीं से बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।